हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक प्यारा सा ब्यूटीफुल दो सूती चादर का डिज़ाइन। हम बनाना इसे शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक फ्रेम लिया है और दो ऊन ले लेंगे, एक निडल, और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे प्यारा सा डिज़ाइन। ऐसे आपको ये देखिए, मैंने निडल को, आप कहीं से भी चाहो इसे निकाल सकते हो। मैंने निडल को एक जगह से देखिए ऐसे निकाल के 1, 3, 4, 4 ऐसे काउंट करके कि 4 बॉक्स में इसे ऐसे सुई को लेके जाना है। और नीचे हम एक नॉट लगा लेंगे जिससे कि खुलेगा नहीं बार बार धागा। ये देखिए, ये लग गया नॉट। और फिर हम निडल को वहीं से बाहर साइड में निकाल लेंगे, ऐसे धागे को टाइट पकड़े रहें थोड़ा। फिर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे दो घर छोड़ के, जैसे दो बॉक्स देके 1, 2 और फिर 4 नंबर पे ऐसे 1, 2, 3, 4 देखें 1, 2, 3, 4 यहाँ से हम निडल को पास करेंगे और 4 ही वापस से बॉक्स में लेंगे। देखिए कुछ ऐसे, और ये देखिए हमारा डिज़ाइन ऐसे बन रहा है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आपने फ्रेम लगाया हुआ है एकदम टाइट कपड़े से बना रहे हैं, नहीं तो फिर आपके हो नहीं पाएगा कढ़ाई सही से, आपका ये बार बार कपड़ा लूज हो जाएगा। देखिए थोड़ा पास से दिखाती हूँ ऐसे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे ऐसे, यहाँ से ऐसे 1, 2, 3, 4 करके टोटल में हमें 1, 2, 3, 4 करके ही हमें निडल पास करना है, और ऐसे करके आपका एक फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए पूरा बनके रेडी हो गया है ना, कितना आसान। चलिए फिर से हम बनाते हैं दूसरा वाला, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है जैसे वहाँ पे हम 4-4 फंदे लगाते थे, ऐसे यहाँ पे हमें काउंट करना है 1, 2, 3, 4 करके और ये बनाते जाना है। ये देखिए बन के इतना रेडी हो गया है। वीडियो बहुत स्लो करके बना रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को ये समझ में आ सके, वीडियो को ज़्यादा फास्ट कर देने से समझ में नहीं आएगा। वैसे आप ध्यान दोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। बहुत ही आसान है और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये। देखिए निडल को यहाँ से लेके हमें दूसरे साइड तक लेके जाना है, ये यहाँ से लेके ऐसे दूसरे साइड तक, ताकि हमारा ये जो बीच में मिडल में जो हमने फ्लावर बना रखा है उसके चारों साइड में सेम उसी तरह का बनाना है हमें। तो उसके लिए देखिए ऐसे करके हर जगह हमें सिर्फ वही काम करना है कि 4-4 बॉक्स में करना है ये। ये देखिए हमारा ये फूल बन के रेडी होने वाला है।
स्टार्ट करेंगे तीसरा फ्लावर, यानी कि मिडल फ्लावर के चारों साइड में हमें बनाना है। और दो बन के रेडी हो गया है, बारी अब तीसरे के। ये देखिए सेम हमें तीसरा वाला भी बना लेना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और ये बन के रेडी हो गया हमारा तीसरा फ्लावर। अब बारी है लास्ट और चौथे फ्लावर की, जिससे हमारा ये डिज़ाइन बन के एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखिए धागा थोड़ा आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, ज़्यादा छोटा धागा भी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा आप छोटा लोगे तो तुरंत वहीं पे वो धागा समाप्त हो जाएगा, बार बार आपको घाट लगानी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो फिर धागे उलझ जाएंगे, इसलिए आपको उसी अकॉर्डिंग धागे लेने हैं। अब देखिए अब शुरू करेंगे हम इसमें से एक ये डिज़ाइन बनाना। ऐसे एक लाइन हमें बनाते जानी है नॉट लगा लगा कर, देखिए इसे क्रॉस जैसे। ये देखिए ये वाली डिज़ाइन तो आपने देखी ही होगी, जैसे ये बना रही हूँ अभी मैं। देखिए ऐसे बनाते बनाते मैं यहाँ तक आ गई हूँ, ज़्यादा नहीं है, आपको टोटल 15 यानी कि 15 टोटल बनाने हैं ये काउंट करके। अभी मैं बना रही हूँ, अभी काउंट करके दिखा दूँगी, ये टोटल 15 है। अब देखिए मेरा बन के रेडी हो गया, मैं काउंट करूँगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये मेरा लास्ट वाला 15 हो गया। और फिर मैं वहीं से एक डिज़ाइन बनाना, वही डिज़ाइन जो हमने सेम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, वही डिज़ाइन हमें फिर से इसमें ड्रा करना। देखिए ऐसे मैं निडल को चार चार बॉक्स में पास कर रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। ये देखिए मेरा डिज़ाइन बन के ये भी रेडी होने वाला है। सेम वही काम करना है हमें, यहाँ भी दूसरा वाला लेना है और उसे वहाँ भी ऐसे बना लेना है डिज़ाइन। ऐसे आप एक फ्लावर से बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट बाद में धीरे धीरे आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने ये वाला भी बना लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। ये देखिए यहाँ तक मैंने बनाया, ऐसे हम करके ये पूरे पिलो पे बना लेंगे। ये देखिए मेरा पिलो पूरा बन के रेडी हो गया है ना कमाल। ऐसे आपको बना लेनी है। अब बारी है हमें इसमें कलरफुल करने की, जैसे नहीं ड्राइंग करते हैं तो कलरफुल करते हैं, वैसे इसमें करना है। और ब्लैक के बीच में हमें रेड कलर के ऊन से फिल करना है, ऐसे डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन के आएगा। ये देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हमने डिज़ाइन ड्रा किया था बस जस्ट उसके एक बॉक्स नीचे ऐसे देखिए मिडल में
वहाँ से हमें इसे नीडल को पास करना और फिर उसी जगह पे लेके जाना है, और फिर जस्ट उसके बगल वाले बॉक्स से दूसरे वाले के कोने तक लेके जाना है, और टोटल में हमें यही काम करना है। ये देखें, ये मैंने फिल करा और फिर यही काम हमें करना है। टोटल में से एक एक बॉक्स में से आपको एक ही देखिए ऐसे नीडल को पास करते हुए उसके कोने तक लेके जाना है और हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इधर आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे पास करना है और वहीं से फिर रिटर्न। नाउ ये देखें, ये मैंने पास किया मिडल और ये रहा मेरा डिज़ाइन। ये देखिए आधा बन गया है उसमें भी, और ये यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद से यहाँ से देखिए मैं टोटल में बस वही करना है। इसके बाद मैं क्रॉस बना दूंगी यहाँ पे जो जगह फिल है, ताकि वो पूरी की पूरी फिल हो जाए। देखिए अब हमारे पास सिर्फ चार बॉक्स बचे हैं, दो दो बॉक्स का हमें बना लेना है। ये देखिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है ना गजब। ऐसे ही करके हम पूरे को फिल कर लेने वाले हैं। देखिए ऐसे करके इसे फिल करेंगे। ये देखिए एक एक बॉक्स में जस्ट उसके नीचे से आपको नीडल पास करना है और ऐसे डिजाइन आपको बनाते जाना है। कितने लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये दो सूती का डिजाइन समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग पहले कोई भी आपके घर में अगर दो सूती है कपड़ा, या फिर कपड़े तो वैसे होने ही चाहिए, नहीं है तो फिर मार्केट से आप परचेस करके उन पर पहले आप कोई भी फ्लावर ड्रा करिए, काउंट करके उसे बनाइए। 1 2 3 बॉक्स ऐसे करके बनाओगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए और देखिए मैंने यहाँ से इसे पास कर दिया है। इसके बाद से ये मेरा डिज़ाइन रहा। और देखिए मैंने निडल को यहाँ से, मेरा दूसरा फ्लावर भी बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम ये बनाएंगे, तीसरा वाला फ्लावर फिल करेंगे। ऐसे ये हो जाएगा जैसे कि ये कोई फ्लावर होता है बीच में से रेड रेड सा, कितना प्यारा लगता है ना। ब्लैक और रेड हमने इसलिए चूज किया क्योंकि ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा होता है। अब देखिए मैंने इसको यहाँ से फिल करा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये। और देखिए ये डिज़ाइन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बीच में इस बार बार चार बॉक्स बचेंगे, आप चाहो तो चार बॉक्स को, ये देखें चार बॉक्स में कई तरह के फ्लावर बनाते हैं, कई लोग उसे फिल कर देते हैं अच्छे से, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नॉट लगाया है इससे भी, क्योंकि आपका फ्लावर बहुत अच्छे से बन जा रहा है। देखिए मेरा फ्लावर कम्प्लीट हो चुका है और मैं नीचे नॉट लगा दूंगी ताकि ये बार बार से खुले ना, क्योंकि खुलेगा तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये देखें
मैं यहाँ पे नॉट लगा रही हूँ। ये लगा लिया मैंने यहाँ पे नॉट। देखिए इस साइड से चंचल है, बन गया मेरा फ्लावर। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। सेम ऐसे ही हम बाकी सब में भी फिल कर देंगे। देखिए जो पीले पिलो मैंने आप लोग को बताया था, सेम वही काम यहाँ पे। ऐसे ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।